ये हमारी बाइक्स है और गड्ढा दिखा नहीं। Hey, good morning. What's up, people? So, हम लोग रामेश्वरम में इस वक्त और हम अभी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट अभी 8:45-9 हो रहा है और जैसा कि मैंने कहा था कि सुबह उठ के हम ट्राई करेंगे मंदिर जाने की या सनराइज कैप्चर करने की, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाया। वी वर एक्सट्रीमली टायर्ड यस्टरडे क्योंकि डे बिफोर दैट वी ऑलमोस्ट ट्रैवल 700 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर टू कन्याकुमारी और हमें बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा हम रात में सो नहीं पाए थे, तो उसके बाद कल सारी थकान मिटाने के लिए हमें एक्स्ट्रा नींद लेनी पड़ी और आज भी हल्का हल्का दर्द है हाथ में, बट दैट्स ओके, इट्स मैनेजेबल समहाउ। सो अभी हम जा रहे हैं धनुषकोड़ी की ओर और होटल से अभी हम निकल गए हैं। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट वॉज रियली नाइस एक्चुअली। इट वॉज अ बुफे। वी हैड सम डोसा, देयर वॉज पूरी, देयर वॉज उपमा, देयर वॉज वड़ा, इडली। सो या इट वॉज अ ट्रेडिशनल साउथ इंडियन क्यूजीन विच वॉज रियली नाइस एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। और अभी हमें जैसा बताया गया है कि यहाँ से धनुषकोड़ी इज ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर्स फ्रॉम आर होटल, तो हम बस बढ़े चले जा रहे हैं। हम धनुषकोड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं रोड बहुत ही खूबसूरत है। वाओ, इट्स अमेजिंग मैन, इट्स जस्ट टू गुड। क्या समय है भाई, क्या समय है, क्या खूबसूरत रोड है, मतलब क्या ही बोलूं मैं। और यहाँ समुद्र भी है। Oh yes man, I was dying to see this view. So दोनों साइड में है समुद्र और बीच में है हम और हमारी बुलेट। So we are gonna rock the party man, we are gonna rock the party. Woo! यहाँ पर नीचे उतरना है क्या? नीचे उतर के जाना है क्या? तुम बताओ। चप्पल पहने हैं फिर प्रॉब्लम होगी। ब्रिज से भी दिखा सकते। ठीक है। सो मेरे प्यारे सहपतियों, चतुर फ्रॉम थ्री इडियट, if you know I'm talking about, which scene I'm talking about, right? Comment down below. आप देख सकते हैं वहाँ पे, I think वही है धनुषकोड़ी, वहाँ जो आपको दिख रहा है वो island, और ये है समुद्र राजा, समुद्र देव। और 1964 में कहते हैं यहाँ पे कि बहुत ही भयानक साइक्लोन आया था जिसने पूरी धनुषकोड़ी को वाइप आउट कर दिया था और सिर्फ एक जगह बची थी जो विभीषण मंदिर है वो। सो हम डेफिनेटली वो भी एक्सप्लोर करेंगे। और धनुषकोड़ी में कुछ रूइंस हैं, कुछ अबैंडन बिल्डिंग्स हैं, अबैंडन प्लेसेस हैं, लाइक चर्चेज एंड ऑल।
So we'll try to explore that as well. So yeah, but it's called a ghost town because यहाँ पे अब कोई रहता नहीं, government ने declare कर दिया, it's unfit for habitation. So it's just a ghost town now, it's just a tourist spot now. So yeah, ये हमारी bikes हैं और गड्ढा दिखा नहीं. ये देखो सर, ये देखो नज़ारे, ये है नज़ारे. ये बस आप देख लो एक बार, फिर उसके बाद और कुछ देखने की इच्छा नहीं होगी. We are here. We are at Dhanushkodi. Welcome to the last town or last point rather in India. अरे वहाँ चर्च है पीछे, पीछे चर्च है, चर्च है पीछे. चलते हैं ना, देखते हुए निकलते, जो जो रास्ते में पड़ रहा है कंप्लीट करते हुए चलते हैं, जो जो रास्ते में पड़ता जा रहा है देखते हुए निकलेंगे. तो वो चलते हैं पीछे, ठीक है? हाँ, चर्च देख लेते हैं. सो दोस्तों, हम अभी रुके हैं यहाँ पे धनुषकोड़ी के अबैंडन चर्च के पास में और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे. अब देख सकते हैं मेरा DSLR भी रेडी है और कुछ अच्छी पिक्स और वीडियोस लेने का कोशिश करेंगे ताकि आपको एंटरटेन कर सके. और अगर आप यहाँ तक आ गए हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. तब तक आप ये देखो ये खूबसूरत चर्च जो एक ज़माने में चर्च हुआ करता था, बट अब 1964 के साइक्लोन में ये वाइप आउट हो चुका है. These are some of the abandoned structures, the ruins, the remains of the church. That was the main gate. Aur idhar abhi shops bache hain bas. और अभी आगे बीच है जहाँ हम जा रहे हैं. इस बालू पे सैंड पे चलना काफी डिफिकल्ट है, आपके पैर बहुत अंदर तक धंसने लगते हैं. थोड़ा एफर्ट है बट इट्स ओके, इट्स वर्थ इट, इट्स कंप्लीटली वर्थ इट.
listen to the waves. गाइस, हमने अबैंडन चर्च और बीच को देख लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं आगे ये रूट कहाँ ले जाती है। ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, I'm assuming it's a light tower, जो रात में शिप्स को डायरेक्शन दिखाने के काम आता था। और यहाँ पे काफी सैंड है, बाइक स्किड हो सकती है, तो हमें संभाल के चलाना होगा, बट इट्स वेरी नाइस। ये सेम बीच अब एक्सटेंड होगा और दूसरी साइड पे भी बीच है, और वी विल ट्राई टू गो टिल द एंड ऑफ दिस रोड, देखते हैं। सो अगर आप यहाँ इस एरिया में आ रहे हो, तो माय सजेशन वुड बी कि आप ट्राई नॉट टू यूज ड्रोन हियर इन दिस एरियाज। आप गिम्बल यूज कर सकते हो, एक्शन कैमरा, DSLR, जो भी आप चाहो यूज करो, बट डोंट ट्राई टू यूज दिस वन ड्रोन हियर, क्योंकि एक तो यहाँ पे क्रॉस ब्रीज और विंड का करंट इतना ज्यादा है कि आपका ड्रोन डिसबैलेंस होकर हो सकता है पानी में गिर जाए और समुद्र था कहाँ गायब होगा, कुछ पता नहीं चले। और अगर समुद्र में नहीं भी गिरता है तब भी डैमेज हो सकता है। और दूसरी बात कि आई थिंक नियर द इंटरनेशनल वाटर्स, जहाँ इंडिया का लास्ट पॉइंट है, जहाँ श्रीलंका कुछ ही दूर पे है, वहाँ पे आई गेस आपको ड्रोन उड़ाना आपके लिए सही नहीं होगा। पुलिस सीज कर सकती है ड्रोन, आपके ऊपर FIR भी हो सकता है। So let's follow the rule of the land, let's respect the law, and let's enjoy the incredible India. और कहा जाता है कि यहीं कहीं राम सेतु यहाँ से दिखता है, so we'll try to find out, अगर हम एक्सप्लोर कर पाए वो जगह भी। कहा जाता है जब रावण ने माँ सीता को किडनैप करके वो श्रीलंका ले गया था यहाँ से ही, तब श्री राम, हनुमान जी और पूरी की पूरी जो वानर सेना थी, उन्होंने यही रामेश्वरम में ही श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, और फिर यहीं से उन्होंने राम सेतु बनाया था। हर पत्थर पर श्री राम का नाम लिखा गया था, जय श्री राम। और वो पत्थर जो है वो पानी में फ्लोट कर रहा था, जिस वजह से एक एक पत्थर जोड़ जोड़ के पूरा ब्रिज बनाया गया। और उस पत्थर को, उस पुल को बनाने में, उस राम सेतु को बनाने में, इट वॉज नॉट जस्ट दी वानर सेना, इट वॉज ऑल दी क्रीचर्स हु आर लिविंग इन एंड अराउंड दिस एरिया और मे बी फार फार अवे, दे केम हियर टू हेल्प, वेदर इट वॉज अ स्मॉल स्क्वायरल या फिर चिड़िया या फिर और भी अलग अलग पशु पक्षी जानवर, उन सभी ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था और उनके हेल्प से ही राम सेतु बन पाया था। ऐसा लग रहा है कि ये समुद्र नहीं है, नदी या लेक हो, जिसमें ज़्यादा ब्रीज नहीं है, ज़्यादा लहरें नहीं है, बिल्कुल शांत है। सो इट्स लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ यिन एंड यांग, कि डार्कनेस एंड लाइट स्टेज इन सिंक विद ईच अदर। लेट मी ट्राई टू शो यू बेटर शॉट, ये देखो और इधर देखो। सो या अभी शायद आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, इधर में थोड़ा सा वेव्स है और इधर लेफ्ट साइड में शांत है।
We have spent almost close to 45 minutes here at Dhanushkodi. Now we are leaving for Vibhishan temple. So यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ थी. I think it's become more of a tourist spot. जब आ रहे थे तो लेफ्ट साइड में ब्रिज पड़ा था ना, वही ब्रिज. और मेरे हेलमेट की वाइजर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है पिछले कुछ 15-20 मिनटों में, जो कि पिछले दो दिनों में नहीं हुई. जब मैं बैंगलोर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से रामेश्वरम मैंने ट्रैवल किया, तब वाइजर पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा. बट पिछले 15-20 मिनट में ड्राइविंग ऑन सी शोर बहुत फर्क पड़ा और बहुत खूबसूरत नज़ारा है. सीरियसली यू जस्ट कांट गेट इनफ ऑफ इट. ये ब्रिज है जस्ट बिफोर विभीषण टेम्पल, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग अपने अपने फोटोग्राफी फोटोशूट सेशन में मशगूल हैं. ये ब्रिज है और ये समुंदर है चारों तरफ, दोनों तरफ. एक्साइटमेंट में मैं इधर उधर निकल जाता हूँ. अबे साले, आई एम हियर एट द विभीषण टेम्पल. सो हियर बेसिकली लॉर्ड राम जो है उन्होंने विभीषण का राज्याभिषेक किया था, कोरोनेशन किया था टू बिकम द नेक्स्ट किंग ऑफ लंका, श्रीलंका, आफ्टर रावण वॉज डिफीटेड. सो मैं आपको एक बार बाहर से लुक दिखा देता हूँ. अंडर शायद पता नहीं यहाँ शूटिंग अलाउड है कि नहीं, सो आई डोंट वॉन्ट टू टेक द चांस. सो आई जस्ट शो यू फ्रॉम द आउटसाइड. We'll be leaving after 5-10 minutes. Yeah, this is the outside of Vibhishan Temple. जय माँ सीता, जय श्री राम, जय बजरंगबली. सो हम अभी विभीषण टेंपल से निकल रहे हैं. यहाँ पे अंदर में फोटोशूट अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने आपको टेंपल के अंदर का मैप नहीं दिखा पाया. बट स्टिल इट्स अ ब्यूटीफुल टेंपल. और यहाँ पे आपको यहाँ की मूर्तियों में, यहाँ के फोटोज में आपको साउदर्न आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस दिखेगा. साउदर्न जो द्रविड़ियन स्टाइल कहते हैं जिसको. सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, वी आर एट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम्स हाउस. इट्स कॉल्ड हाउस ऑफ कलाम. और ये हाउस ऑफ कलाम, यहाँ पे ये बेसिकली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, साइंटिस्ट थे, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था. ही इज एब्सोल्यूट लेजेंडरी पर्सनालिटी ऑफ इंडिया. वी वर जस्ट लकी दैट ही वाज बोर्न इन इंडिया. सो मिस्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने यहाँ रहा करते थे किसी ज़माने में, ये उनका घर था. तो उनकी डेथ के बाद उनकी याद में और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज ग्रोथ टू इंडिया, उसे मेमोरियल में कन्वर्ट कर दिया गया. अभी बज रहे हैं 4 और हम निकल चुके हैं अपने होटल से पम्बन ब्रिज की ओर, पम्बन रोड ब्रिज. सो गाइस, एक्चुअली काफ़ी रश दिख रहा था और हमें ऐसा लगा कि अभी कोविड से इंडिया पूरी तरह उभरा नहीं है, सो वाई टेक द रिस्क. इसलिए हमने डिसाइड किया कि वी विल नॉट बी ट्रैवलिंग थ्रू द ट्रेन, क्योंकि अभी अगर पम्बन ब्रिज देखने के लिए ट्रेन में आई थिंक काफ़ी रश हो सकता है, चांसेस है. सो वी आर ट्राइंग टू अवॉइड एनी क्राउडेड प्लेसेस. गाइस, वी आर हियर एट पम्बन ब्रिज.
पम्बन रोड ब्रिज करेक्ट। और विशाल भाई हैं अपने साथ। हेलो विशाल भाई, ये इनका मोटो ब्लॉग रेडी है, DSLR रेडी है, और हम यहाँ पे कैप्चर करने के लिए ट्रेन को खड़े हुए हैं। और एक घंटे के वेट के बाद फाइनली ट्रेन आ गई। ड्राइवर को हाय बोलना। हेलो, हाय बोल दो यार। ऐसी बेवफाई, ऐसी जुदाई। Hey guys, so, अभी हो रहे हैं रात के 11:15 और आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग था। हमने धनुषकोडी कवर किया और उसके बाद APJ अब्दुल कलाम का हाउस देखा और फिर पम्बन ब्रिज भी देखा। और अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट ट्रैवल इन द ट्रेन, बट इट वाज नाइस टू बी ऑन द रोड ब्रिज एज वेल। और अब हम ऑलमोस्ट मैं डेटा ट्रांसफ़र और पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। सो उसके बाद कल है संडे और कल सुबह अराउंड 5:15 विल बी लीविंग फ्रॉम दी होटल फ्रॉम रामेश्वरम फॉर बैंगलोर। सो विद दिस आई ऑफिशियली एंड Day 3 ऑफ द व्लॉग, Chapter 3 ऑफ द सीरीज। और Chapter 4 के लिए फ्रॉम रामेश्वरम टू बैंगलोर I will see you on the road. Thank you. Keep watching. Keep supporting. Sayonara.